डॉक्टर अनिल नौसरन ने वर्तमान समय में नागरिकों के स्वास्थ्य पर कहा कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि लोगों का जीवन अव्यवस्थित हो गया है, जिससे लोगों को तमाम प्रकार की बीमारियां हो गई हैं। जिसको देखते हुए देश भर में साइकिल यात्रा कर रहा हूं, जिसको स्वास्थ्य जागरूकता साइकिल यात्रा नाम दिया है। पिछले वर्षों कलकत्ता, मुंबई, शिमला, चंडीगढ़, जयपुर, अयोध्या, ब्रिजभूमि, इंदौर, ग्वालियर सहित अन्य जगहों पर साइकिल यात्रा कर चुका हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। 1 नवंबर 2022 को लाल चौक से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा होगी, इसीलिए शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, लड़का और लड़की का ब्लड टेस्ट करवाएं, असाध रोगों से मुक्ति पाएं या समय समय पर रक्तदान करना चाहिए, जिससे बीमारियों से बचा जा सकता है, जिससे सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर अनिल नौसरन ने कहा, कितनी भी चीजें ले लें, अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप आनंद में नहीं। मेरा नाम डॉक्टर अनिल नौसरन है और मैं मेरठ से हूँ, और मेरा स्पेशलाइजेशन MD पैथोलॉजी है। मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज का UGPG रहा हूँ। सर, यहाँ पे गोष्ठी भी किन लोगों की है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, और जो आज की तारीख में जो घर घर बीमारियाँ हैं और घर घर आदमी का जीवन जो अव्यवस्थित हो रहा है, उसका कारण है बीमारी की। उसी के संदर्भ में मैं पिछले 4 सालों से देश भर में साइकिल यात्राएं कर रहा हूं। यात्राओं का नाम रहता है मेरा एड्स एवं स्वास्थ्य जागरूकता साइकिल यात्रा। पिछले वर्षों में मैं बहुत से शहरों में मेरठ से ही साइकिल यात्राएं करता हूं, और जिसमें मैं कलकत्ता, मुंबई, शिमला, चंडीगढ़, जयपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, ब्रिजभूमि, आपका इंदौर, गुना, ग्वालियर, ये सब नैनीताल, शिमला, मसूरी, इधर करना, हरियाणा के कुछ सोनीपत, करनाल, पानीपत, कैथल, पंजाब का कुछ एरिया, मैंने लुधियाना, मानसा, बठिंडा, ये सब का मैं घूम चुका हूँ। और अभी 1 नवंबर 2022 को मेरी लाल चौक श्रीनगर से कन्याकुमारी की किस दिन की ये साइकिल यात्रा होगी, और इसके 2 स्लोगन है जिसको मैं ले कर चलता हूँ, एक तीसरा भी है वो भी मैं बताऊँगा। शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएँ, लड़के लड़की के ब्लड टेस्ट कराएं, असाध्य रोगों से मुक्ति पाएं। दूसरा है कीप साइकिलिंग, स्टे हेल्दी, फिट इंडिया। और तीसरा एक है जिससे कि बहुत आम जनता, स्पेशली गांव के लोग बहुत परेशान होते हैं, उसके लिए आओ चलो रक्तदान करें, किसी अनजान को जीवन दान करें। अब ये जो मेडिकल कुंडली है, आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ है ये, जिस तरीके से हम शादी से पहले एक कुंडली बनवाते हैं, उसी प्रकार ये मैंने महसूस किया है कि उस कुंडली के, मुझे ऐसा नहीं लगा है जो डॉक्टर को फ़ायदे हैं, लेकिन ये जो मेडिकल कुंडली है, अगर ये शादी से पहले लड़के लड़की के कुछ ब्लड टेस्ट हो जाएं, तो उन बच्चों से जो अगली संतान और जो अगली जनरेशन जो पैदा होगी, वो एक स्वस्थ जनरेशन पैदा होगी, और जो जहाँ स्वस्थ जनरेशन पैदा होगी तो स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इसमें जैसे कि एक बहुत महामारी है, एक बहुत बड़ी बीमारी है थैलेसीमिया की, जिसमें कि जन्मजात बच्चे के अंदर खून की कमी होती है, खून जो RBCs होती हैं वो डिफेक्टिव बनती हैं, और उसकी जब से वो पैदा होता है जब तक उसकी 25-30 साल के बाद जो उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि जल्दी मृत्यु हो जाती है ऐसे बच्चों की, तो वो लगातार बगैर डॉक्टरों के इलाज के वो जिंदा ही नहीं रहते, लगातार वो डॉक्टर उसके कॉन्टैक्ट में, जिसकी वजह से उस परिवार की इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होती है और दूसरा बच्चा भी कंप्रोमाइज़ करता है। एक बच्चा हेल्थ की वजह से वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा इग्नोरेंस की वजह से ख़त्म हो जाता है, वो पूरी फैमिली का कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, गोरखपुर न्यूज़ के माध्यम से आम जनता से अपील करूंगा कि अपने बच्चों की आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो जिनकी शादियां करनी है, उनके कुछ उनके कुछ ब्लड टेस्ट कराएं, उनकी मैचिंग कराएं, ताकि आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा ना पैदा हो जिसका कि रोग ऐसा हो कि जो असाध्य हो, वो अपंग हो, और उस बीमारी की वजह से आपके परिवार में कष्ट हो और आपका जीवन खराब हो। कहीं ना कहीं लोग अब साइकिलिंग की आप बात कर रहे हैं, लोग दूर जा रहे हैं, भाग दौड़ से अभी देश तरक्की कर रहा है, लेकिन किसी से
लोग इन सब चीज़ों से वंचित रह जा रहा है। उसका कारण है कि हम लोग जो एक मेटलिस्टिक वर्ल्ड, एक भौतिक युग, एक भौतिक जो चीज़ें हम सोच रहे हैं उसकी तरफ बहुत भाग रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अब धीरे धीरे जैसे ही 40 की उम्र पार करते हैं उनको समझ में आने लगता है कि हम किस दौड़ में भाग रहे हैं। अब समय है, एक टाइम आया है कि पीछे हम भी देख रहे हैं कि पीछे 30 सालों से इस तरह के पीछे भाग रहे हैं। अब उनको जीवन में जो भी आदमी 50 की उम्र अब क्रॉस कर रहा है उसको समझ में आ रहा है कि हेल्थ इज़ द वेल्थ। गोरखपुर आने का क्या मतलब? गोरखपुर तो मेरा एक उद्देश्य, एक्चुअली क्या कि यहाँ पे मेरी एक मीटिंग भी थी उसको अटेंड करने के लिए आया था, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य अब जीवन का, मेरा मुख्य उद्देश्य लोगों आम जनता है उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना ही है। मैं आया हूँ मीटिंग में, ज़रूर आया हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ मेरा जो फर्स्ट उद्देश्य था वो लोगों को जागरूक करने का था, जिसमें कि मैंने कल शाम भी यहाँ गोरखपुर में एक घंटा मैंने साइकिल चलाई, बैनर गाड़ी के ऊपर बैनर लगा के, और सुबह भी डॉक्टर्स के साथ यहाँ पे जो ताल है जहाँ पे बड़ा तालाब है वहाँ पर मैंने एक घंटा वहाँ साइकिलिंग की, ताकि लोगों के पास एक मैसेज जाए, मेरा संदेश जाए। और ये अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सब लोग साइकिल को लें, क्योंकि आज की तारीख में 3 बीमारियाँ घर घर में हैं, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कि ये 3 में से एक बीमारी ना हो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, और 3 सिम्टम हैं, भूखने लगना, नींद न आना और बेचैनी। ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप सुबह सूर्योदय से पहले एक घंटा तारों की छाँव में मून की लाइट के अंदर आप साइकिल करेंगे तो आप ये सब बीमारियों से दूर रहेंगे और आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, हेल्दी रहेगा। और जब आपका शरीर हेल्दी होता है तभी आप आनंद ले पाते हैं, बगैर हेल्थ के आनंद असंभव। तो मेरी, और दूसरा साइकिल के आजकल हर शहर में आप भी देख रहे हैं कि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं नहीं पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि इतना ये गाड़ी जो एमिशन करती है ये केमिकल्स का, जिसकी वजह से इतने कैंसर्स बढ़ रहे हैं, सांस की बीमारी, दिल की बीमारी, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और ये पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग वाला एक मैटर जो है कहीं ना कहीं ये हमारी उस पर लगाम लगाएगी। और अपील करूँगा फिर आपके चैनल के माध्यम से पूरे पूर्वांचल से कि सब लोग अपने जीवन में इस छोटी छोटी जो दूरियाँ हैं, छोटे छोटे काम हैं, उसको साइकिल से करें। आपको उसके 2 फायदे होंगे, आपका पैसे की बचत होगी, आपकी हेल्थ बनेगी और आपका एनवायरनमेंट शुद्ध होगा। थैंक यू।